तो स्वागत है आप सबका दोस्तों सी ए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग सी ए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग को कवर कर रहे हैं। तो इस समय हम लोग का चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ अकाउंटिंग टर्म्स समझ रहे हैं। और पिछली वीडियो में हम लोग समझ रहे थे कि एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, एक्सपेंडिचर क्या होता है ये हम लोग समझ रहे थे पिछली वीडियो में। उसमें हम लोगों ने देखा था दो तरीके के, तीन तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और हमने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ये समझ लिया था। ठीक है, और मैंने आपको कुछ काम दिया था जो कि मुझे पूरी उम्मीद है आपने नहीं किया होगा, तो चलो यहीं पे ही कर लेते हैं उस काम को। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो कि आपको करने थे, तो एक सेकंड मैं बस अपनी वो वाली बुक ढूंढ लूँ। जी मिल गई है। तो मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस दिए थे, और उसमें कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है ये ढूंढ के बताओ। ठीक है, ये थे वो क्वेश्चंस। तो चलो इसको टैली करते हैं। जिन लोगों ने कर लिया होगा बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया वो अब देख लें। तो पहला पढ़िए क्या कह रहा है। एक्सपेंसेस ऑन वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ बिल्डिंग परचेज टू मेक इट रेडी फॉर यूज़। ठीक है, तो वाइट वॉशिंग और पेंटिंग के ऊपर खर्च किया बिल्डिंग की, और किस लिए खर्च किया है, ताकि वो रेडी टू यूज़ बन जाए, यानी पुट टू यूज़ बन जाए। तो मैंने आपको कहा था जितने भी खर्चे एसेट को पुट टू यूज़ बनाने के लिए किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला, 10,000 रुपये स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ न्यू मशीन। ठीक है, तो 10,000 रुपये हमने किस पे खर्च किए हैं, एक प्लेटफॉर्म बनवाया है एक नई मशीन का, उसको रखने के लिए वहाँ पे। तो ये जो 10,000 रुपये खर्च किए हैं, तो ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है, तो ये दोस्तों कैपिटल है, क्योंकि ये रोज़ रोज़ तो खर्च करेंगे नहीं, कभी कभार होने वाला खर्चा है ना, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 रुपये इनकर्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो हमने रिपेयरिंग करवाई है, वाइट वॉशिंग करवाई है किसकी, अपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग की, 25,000 रुपये उसमें खर्च हुए हैं। तो सर इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इस रिपेयर को करवाने से बिल्डिंग की एफिशिएंसी या लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये एनुअल रिपेयर्स है, रेगुलर रिपेयर है जो हर साल होता रहता है बिजनेस में, तो ये क्या होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज रिन्यूअल प्रीमियम, तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, रिन्यूअल प्रीमियम है यानी हर साल पे करना पड़ता है ये, तो ये क्या होगा, हर साल पे करने वाला खर्चा रेवेन्यू होता है। परचेज अ न्यू कार, तो आपने कल देखा था फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं हम जब, तो उस खर्चे को हम कैपिटल मानते हैं। एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीन। चलिए, एक्साइज ड्यूटी आपने पे की है जब आपने एक नई मशीन परचेज की है। तो याद है दोस्तों कल मैंने कहा था कि जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं और जो भी उसको पुट टू यूज बनाने तक के खर्चे हैं, पहले तो उसके जो डिलीवरी चार्ज है वो उसकी कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है, साथ ही जो उसको पुट टू यूज बनाने के खर्चे होते हैं वो भी उसकी कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं। तो ये एक्साइज ड्यूटी पे किए बिना क्या आप इस मशीन का इस्तेमाल कर पाते, नहीं ना, तो ये क्या होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड टू इंस्टॉल अ मशीन, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेम लॉजिक ऊपर वाला। रिपेयर्स कैरिड आउट ऑन एग्जिस्टिंग कार, हमारी एग्जिस्टिंग जो कार है उसके ऊपर रिपेयरिंग करवाई। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जो आप अपनी गाड़ी की रेगुलर वारंटी वगैरह, वो सर्विसिंग वगैरह करवाते रहते हैं ना, वो तो हर साल करवाना पड़ता है ना, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग रिपेंटेड
फॉर 50,000 रुपये। हमारी बिल्डिंग का एक ब्लॉक था, ब्लॉक मतलब एक हिस्सा, तो उसको रीपेंट करवाया गया, फिर से उसकी पेंटिंग करवाई गई और उससे उसमें 50,000 रुपये खर्च हुए हैं। तो इससे बिल्डिंग की एफिशिएंसी बढ़ेगी। हाँ सर, दीवारें क्या होंगी, अब कम जो जब दीवारों में पेंट वगैरह पुराना हो जाता है तो वो थोड़ी बहुत चिटकने टकने नहीं लग जाती हैं, तो वो अब कम होंगी। तो इसलिए ये जो खर्चा है ये रोज़ रोज़ का खर्चा नहीं है, कभी कभार वाला खर्चा है, इसलिए ये क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। टेलीफोन बिल पे किया 2,500 रुपये, तो ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है। टेलीफोन बिल तो आप हर महीने पे करेंगे, तो ये रेगुलर हर मंथ वाला खर्चा है, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर बताइएगा आउट ऑफ 10, कि आपने कितना स्कोर किया। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ साथ एक और एक्सपेंडिचर होता था ना दोस्तों, जो हम लोगों ने कल देखा था, वो क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस बला का नाम है, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये असल में होते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ही हैं, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स तो हमें एक साल तक का ही बेनिफिट देते हैं ना, ये हमें लंबे पीरियड का बेनिफिट देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें छोटे समय का बेनिफिट देते हैं, जबकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है पर वो हमें लंबे समय का बेनिफिट देते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमें लंबे समय का बेनिफिट देते हैं, ना कि कम समय का बेनिफिट, ठीक है। सही बात है, जैसे कि जो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट होते रहते हैं बिजनेस में, बोर्डिंग वोर्डिंग लगवाना, दीवारें वगैरह पेंट करवा के एडवर्टीजमेंट करना, ठीक है, और पैम्पलेट वैम्पलेट बंटवाना, कार्ड्स वगैरह बंटवाना, ये सब जो एडवर्टीजमेंट है ये सब क्या है, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट मान लो आपने किसी बड़े सेलिब्रिटी से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 15-20 साल के लिए एक एडवर्टीजमेंट साइन करवा लिया कि आप उसका एडवर्टीजमेंट 15-20 साल तक टेलीविजन पे दिखाओगे और उसको 15-20 साल की एडवर्टीजमेंट फीस पे कर दी, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट क्या कहलाएगा, एडवर्टीजमेंट तो होता रेवेन्यू है, ये जो एडवर्टीजमेंट का नेचर है ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, बट आपने जो पेमेंट करी एडवर्टीजमेंट की ये तो 15-20 साल के लिए कर दी ना, तो 15-20 साल के लिए ये पेमेंट कर दी है, तो ये एक साल का तो खर्चा है नहीं, ये मोर देन 1 ईयर का खर्चा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये डेफर्ड रेवेन्यू कहलाएगा। है तो रेवेन्यू लेकिन क्योंकि लंबे समय तक इसका बेनिफिट जा रहा है तो इसलिए ये डेफर्ड रेवेन्यू माना जाएगा, ठीक है। इसके दो पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं, एक तो ये हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, लंबे समय का जो एडवर्टीजमेंट खर्चा है, और दूसरा है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये भी जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होते हैं जो बिजनेस शुरू करने के लिए लगती है, इसको भी बिजनेस की लाइफ पीरियड तक इसको राइट ऑफ किया जाता है पीएल में, ठीक है। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू वाले, तो इनको क्या किया जाता है, मान लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है, ठीक है, ये मान लो 40,000 रुपये लगी है हमें बिजनेस शुरू करने के लिए। तो हमने बैठ के फैसला किया कि जो 40,000 रुपये की कॉस्ट लगी है इसको बिना बिजनेस शुरू होने के बाद 10 साल में पीएल में राइट ऑफ करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से 10 साल में राइट ऑफ करेंगे। तो हर साल कितना कितना राइट ऑफ करेंगे, 40,000 डिवाइड बाय 10 साल, यानी हर साल 4,000 रुपये राइट ऑफ करेंगे पीएल से, ठीक है, हर साल 4,000 रुपये पीएल से राइट ऑफ करेंगे। तो जब पहला साल आएगा, मान लो पहला साल है 2016-17, इस साल 4,000 राइट ऑफ होगा,
तो 4,000 रुपये पीएल में डेबिट किए जाएंगे, ठीक है। और जो बचा कुचा 36,000 रुपये होगा वो बैलेंस शीट में एज अ एसेट दिखाया जाएगा, ठीक। अब जब अगला साल आएगा यानी 2017-18, तो उस साल फिर 4,000 रुपये क्या किए जाएंगे, पीएल में डेबिट। और कितने रुपए बचे, अब 36 में से 4 गए यानी 32,000 रुपये बचे, तो 32,000 रुपये कहाँ दिखाए जाएंगे, बैलेंस शीट में एज एन एसेट, ठीक है दोस्तों। तो ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट, ठीक है दोस्तों। एक्सपेंडिचर से पहले हमने रिसीट्स पढ़ी थी ना, देखी थी, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट दो प्रकार की होती है, तो ये उनकी भी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। आप इनको चाहें तो लिख सकते हैं, और ये, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, एक्सपेंडिचर हमारा पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लंबा टॉपिक था, इसके ऊपर अलग से एक चैप्टर है आपकी स्टडी मटेरियल में, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप उस चैप्टर को आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला अकाउंटिंग टर्म सीखते हैं, जो कि कौन सा है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों बिजनेस में काफ़ी तरह की कमाई होती है ना, और बिजनेस में हमें जितनी भी कमाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। तो इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमें कई खर्चे करने पड़ते हैं, इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमें कई खर्चे करने पड़ते हैं, इन खर्चों को हम कहते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे कि रेवेन्यू, जैसे क्या हुआ आपका, सेल्स हुआ, ठीक है, सेल्स आपका क्या हुआ, रेवेन्यू, ठीक बात है। अब उस सेल्स को करने के लिए आपको कई खर्चे करने पड़े होंगे, जैसे कि परचेजेस, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, ठीक है, कुछ और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जैसे कि वाटर, कोल, गैस, लाइटिंग, ये सारे खर्चे करने पड़े होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, ये एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला टर्म है इनकम। इनकम या फिर इसे नेट इनकम भी कहा जाता है, तो ये एक तरीके का प्रॉफिट होता है आपका एक अकाउंटिंग पीरियड का। इनकम का मतलब, ये एक तरीके का प्रॉफिट होता है आपके एक अकाउंटिंग पीरियड का, तो आप जो भी रेवेन्यू अर्न करते हैं साल में, तो उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस जो आपने खर्च किए हो इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, वो आप अगर घटा दें तो आपको मिल जाएगा नेट इनकम और प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, अगला है प्रॉफिट। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बताना पड़ेगा आपको कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट मतलब लाभ। लाभ कब होता है बिजनेस में, बिजनेस में लाभ कब होता है, जब रेवेन्यू आप करिएगा, जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो तो हमें बिजनेस में लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है, और जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस से कम हो, ठीक है, तो हमें क्या होता है, नुकसान होता है यानी लॉस होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट के साथ साथ गेन भी एक शब्द लिख रखा है, तो क्या प्रॉफिट और गेन एक ही चीज़ होती है, नहीं दोस्तों। प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि बिजनेस को कितना फायदा हो रहा है, बिजनेस को जो फायदा होता है ना, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट, सही बात है। बट बिजनेसमैन को जो फायदा होता है उसको हम कहते हैं गेन,
ठीक है, बिजनेसमैन को जो फायदा होता है उसे कहा जाता है गेन। तो क्या सर बिजनेस में, बिजनेस को कोई गेन नहीं होता? बिजनेस को भी गेन होता है दोस्तों, ठीक है। प्रॉफिट तो क्या है, आपकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको होता है, यानी जो भी आप बिजनेस से कमाई कर रहे हैं वो कमाई क्या है आपकी, आपके खर्चों से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बट बिजनेस में आपको कोई भी ऐसा सडन इवेंट हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम हो गई, ठीक है, बिजनेस में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेट हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा गेन, है ना। ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से गेन का अर्थ हुआ, वो बिजनेसमैन के पर्पेक्टिव से है कि बिजनेसमैन को जो भी फायदा हो रहा है बिजनेस से वो उसका गेन है, ठीक है। लेकिन बिजनेस के में भी गेन होते हैं। अगर आपको पता है कि सामने वाले बंदे से आपको पैसे मिलने हैं तो वो आपका रेवेन्यू है, बट अगर सामने वाला बंदा आपसे खुश होके, मतलब उसका दिल आ गया आप पे और उसने आके आपको 1 लाख रुपए दे दिए, जो कि आपको पता ही नहीं था कि वो देगा, अचानक से आके उसने 1 लाख रुपए दे दिए, तो वो क्या है, वो आपका रेवेन्यू नहीं है, वो आपका क्या है, गेन है, ठीक है। आपके बैंक में जो पैसा पड़ा है उस पे आपको ब्याज मिल गया, ठीक है, तो वो ब्याज क्या है, वो तो आपका रेवेन्यू है कि आपको पता था वो मिलेगा आपको, बट आप रास्ते पे जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे और एक 10 लाख रुपए का बैग मिल गया पड़ा हुआ, तो वो क्या है, वो आपका रेवेन्यू नहीं है, वो आपका गेन है। तो अनएक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो होता है, वो जो आपको पता नहीं होता आपको अचानक से मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं गेन। लॉटरी जीतना, केबीसी जीतना, ये सब भी गेन में ही आता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों, अब हम ये चार शब्द सीखते हैं, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो दोस्तों परचेज समझना शुरू करते हैं। बिजनेस है हमारा, बिजनेस जिस भी चीज का होगा, ठीक है, जिस भी चीज़ का हम व्यापार कर रहे होंगे, ठीक है। मान लो अगर हमारा रेडीमेड गारमेंट्स है तो गारमेंट्स वगैरह जो हमारी हैं तो उस चीज़ का हम व्यापार कर रहे हैं। अगर हमारा फर्नीचर का व्यापार है, ठीक है, तो अगर हमारा फर्नीचर का व्यापार है तो फर्नीचर के व्यापार में फर्नीचर हमारा क्या होगा, फर्नीचर हमारा वो होगा, गुड्स होगा, ठीक है, जिसका हम व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। यानी जिस भी चीज़ का हम व्यापार कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो वो चीज़ कहलाती है हमारी बिजनेस की भाषा में गुड्स, ठीक है, सही बात है दोस्तों। तो इससे आपका क्या हो गया, एक और टर्म कवर हो गया, गुड्स, ठीक है। अब बात की जाए, ये जो गुड्स होते हैं वो हमें एक आदमी से खरीदने होते हैं जिसको हम कहते हैं सप्लायर, ठीक है। तो इस सप्लायर से हम गुड्स खरीदते हैं और जब हम इससे गुड्स खरीदते हैं तो ये कहलाता है हमने इससे गुड्स परचेज किए, ठीक है। आप लोग ने कुछ समय पहले आपने देखा था कि सप्लायर से अगर नगद में गुड्स खरीदते हैं तो ये सप्लायर रहता है, बट अगर उधार पे खरीदते हैं तो सप्लायर क्या बन जाता है हमारा, डेटर, सॉरी क्रेडिटर,
ठीक है, सही बात है। तो मान लो हमने इससे 40,000 यूनिट्स के गुड्स परचेज किए, ठीक है, सही बात है, 40,000 यूनिट्स के गुड्स परचेज किए हमने इससे, तो उसमें से 10,000 यूनिट्स के गुड्स हमें पसंद नहीं आए, तो 10,000 यूनिट्स के गुड हमने वापस कर दिए, ठीक है, 10,000 यूनिट्स के गुड्स हमने वापस कर दिए, तो ये परचेज किया हुआ जो सामान हम वापस कर रहे हैं ये कहलाता है परचेज रिटर्न, ठीक है। वैसे ही बिजनेस में क्या होता है, हमने कुछ परचेज किए हैं तो हम वापस बाजार में उसको बेचेंगे भी, ठीक है, तो हम बेचते किसको है, हमारे कस्टमर्स को। आपको पता है जब हम नगद पे बेचते हैं तो वो कस्टमर कहलाता है, बट जब हम उसको उधार पे सामान बेचते हैं तब वो हमारा डेटर बन जाता है ना, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हम इसको सामान बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेल। तो मान लो इसको हमने 20,000 रुपये यूनिट्स के गुड्स सेल किए हैं, ठीक है, 20,000 यूनिट के गुड्स इसको सेल किए और उसमें से इसको 5,000 यूनिट्स के गुड्स पसंद नहीं आए, तो 5,000 यूनिट्स के गुड्स इसने वापस कर दिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेल्स रिटर्न, ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेल्स रिटर्न, ठीक है। कोई समस्या इस बात में नहीं ना, चलिए फिर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ये मतलब होता है दोस्तों कि जो भी बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस की जो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, इसका क्या मतलब है, बिजनेस की मेन जो धंधे की एक्टिविटीज होती हैं जिस पे बिजनेस टिका होता है, जो मेन धंधा है उससे जो हमारी कमाई होती है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो मेन धंधे की एक्टिविटीज से यानी जो मुख्य धंधा है बिजनेस का उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमें, तो वो कहलाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जो टर्म है ये बेसिकली कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसको आप कंपनी के अकाउंटिंग में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे उस कंपनी के अकाउंटिंग, तो ये कंपनीज के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों, चलिए फिर, ठीक है। तो हमारे 20 टर्म्स हो चुके हैं टोटल, 24 टर्म्स अभी और बचे हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये वीडियो हमारी बन चुकी है वैसे काफ़ी लंबी, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर, इस वीडियो के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, मतलब क्या चाहते हो, कैरी मिनाटी की तरह क्या लाइक एम रखना शुरू करें, नहीं ना, ईमानदारी से आप लोग भी जब भी वीडियो देखिए तो वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि लाइक से हम लोग को समझ में आता है कि वीडियो को रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, व्यूज़ वगैरह से इतना समझ में नहीं आता, ठीक है, तो लाइक से समझ में आता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को, ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।